जी गो माता, जय गोपाल। मैं आज आपको एक अग्निहोत्र का एक बढ़िया सा बेनिफिट आपको बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ एक लकड़ी का टेबल है, एक काठ का टेबल है, इसमें हम रखे हैं ये है ये तांबे का बर्तन। तांबे का बर्तन में हम पानी रखे हैं इसमें, और जो अग्निहोत्र किए हैं अग्निहोत्र का राख इसमें डाले हैं पानी में। इसको सूरज में यानी सूरज की जो किरणों हैं उसमें छोड़ दिए हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं एक ठो पिरामिड बना है, पिरामिड को इसमें हम डाल देते हैं। मैं यहाँ दो यानी एक साथ दो होने के लिए दो लोटा ली हूँ, इसमें पानी है और इसमें अग्निहोत्र का राख डाले हैं पानी में, और इसके ऊपर इसको ये पिरामिड को हम रख देते हैं। ये पिरामिड का काम ये है, और ये पानी को हम लगभग एक घंटा या दो घंटा पाँच घंटा जितना भी हो सके, दिन भर अगर हो सके तो भी छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। इसका क्या फ़ायदा हम बताते हैं। अग्निहोत्र राख का फायदा हम आपको बहुत सारे वीडियो में दिए हैं, और ये जो पिरामिड है ये जो सूर्य का जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, इसमें स्टोर होके ये तांबे के लोटे में रहता है, और अग्निहोत्र का राख जो इसमें मिलाया गया है ये पानी का कीमत लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए, एनर्जी के लिए, हमारा जो शरीर का बीमारियों के लिए बहुत सारा उपयोगी होता है। और ये लकड़ी का यानी टेबल इसीलिए दिया गया है ताकि ये जो पानी सूरज का किरणों से चार्ज हुआ है ये अर्थ नहीं हो पाएगा, ये इसको मिट्टी में नहीं रखना है, और आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे इसको यानी कुछ भी नीचे यानी फ्लोर में नहीं रखना है, ताकि इसका उपयोग ज़्यादा गुण बढ़ जाएगा। जय गो माता, जय गोपाल।